जैसे कि आप लोगों को पता होगा मेरे पास बहुत ही अलग अलग तरीके के आरसी एनिमल्स है, तो एक और चीज मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ, इसको बोलते हैं क्रैब, यानी कि एक पानी में चलने वाला केकड़ा है। आज मैं इसकी फाइट कराने वाला हूँ बहुत सारे आरसी एनिमल्स के साथ। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे इंसेक्ट्स भी है, ये देखो यार, ये एक हाउस फ्लाई है, इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि ये एक टैरेंटुला स्पाइडर है, ये देखो यार काफी ज्यादा बड़े साइज की होती है। यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का जंगल स्नेक भी है, ग्रीन कलर की जंगल वाली लिजर्ड भी है, ये एक छोटा सा कैटरपिलर भी है मेरे पास। और ये तो आपको पता होगा गाइस, ये चमेलियन कितना ज्यादा खतरनाक है, ये अपनी आंखें भी घुमा सकता है पूरी तरीके से। तो चलो गाइस फटाफट से करते हैं ये आरसी क्रैब की अनबॉक्सिंग, फिर कराते हैं इसकी फाइट, देखते हैं ये कितना ज्यादा पावरफुल है। लेट्स स्टार्ट। इसको मैंने इनोवेशन की तरफ से खरीदा है, मेरे पास तकरीबन जितने भी आरसी एनिमल्स है वो मैंने इनोवेशन की तरफ से ही खरीदे हैं। इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है और ये दिखने में भी बहुत ज्यादा रियल एनिमल जैसे ही दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर इंफ्रारेड वाला एक रिमोट भी दिया गया है। तो चलो बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। गाइस आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना, और इसका बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अमेजोन का, वहां से अगर आप चाहे तो ये आरसी केकड़े को खरीद भी सकते हो। यहाँ से मैंने इसको निकाल लिया है, दिखने में बिल्कुल एक रियल केकड़े जैसा ही दिखाई दे रहा है। और इसका ये जो ऊपर का शेल है ना, ये बहुत ज्यादा कड़क है। रियल केकड़े का भी जो शेल होता है ये बहुत ज्यादा टफ होता है। यहाँ पर इसके पिंसर्स है, मूव तो कर रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा शार्प है। रियल केकड़े के भी बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, ये किसी के भी हड्डियां तोड़ सकता है यार। यहाँ पर इसके आईज है, आईज के अंदर इंफ्रारेड सेंसर्स दिए गए। यहाँ पर इसकी मूंछें हैं, यहाँ पे इसका माउथ है, पीछे की तरफ यहाँ पर इसका एक व्हील दिया गया, पीछे की तरफ एक छोटा सा सपोर्टिंग व्हील भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट चार्ज भी कर सकते हैं। इस तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर इसके लेग्स है, इस तरफ तीन लेग्स है, इस तरफ तीन लेग्स है, पीछे की तरफ यहाँ पे भी सपोर्टिंग लेग्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। क्वालिटी और दिखने में ये बहुत ज्यादा रियल केकड़े जैसा ही दिखाई दे रहा। तो इसका रिमोट भी आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको याद होगा तो इस तरह का रिमोट मेरे पास आरसी स्कॉर्पियन के अंदर भी मिला था, तो बिल्कुल वही वाला रिमोट इसके अंदर भी मेरे को मिला है। तो ये रिमोट की सबसे खास चीज ये होती है कि यहीं से ही हम लोग ये क्रैब को चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी चार्जिंग पिन दी गई है। अभी आरसी मक्खी को अनबॉक्स करते हैं, और ये रोबोटिक मक्खी की तो आज हम लोग फाइट कराने वाले हैं क्रैब के साथ, देखते हैं ये मक्खी जीती है या फिर हमारा रोबोटिक क्रैब जीतता है। इसको मैंने बॉक्स के अंदर से निकाल लिया है, ये मक्खी भी बिल्कुल एक रियल मक्खी जैसी दिखाई देती है, पर इसके अंदर और रियल मक्खी में फर्क ये है कि ये काफी ज्यादा बड़े साइज की दी गई है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है। यहाँ पर इसके आईज वगैरह आप देख सकते हो, और इसके बिल्कुल एक रियल मक्खी जैसे ही दिए गए। पर इसके अंदर एक चीज गड़बड़ है यार, वो इसके अंदर देख सकते हो, यहाँ पर हम लोगों को LR44 की बैटरी डालनी पड़ती है, पर इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी दी गई है। यहाँ पे देखो यार रिमोट के अंदर बहुत सारे हिडन बटन्स भी देखने को मिल जाते हैं। ओके गाइस, अब ये बड़ी सी वियर्ड रियलिस्टिक दिखाई देने वाली टैरेंटुला को अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। एक्चुअल में इस तरह की जो टैरेंटुला है इंडिया में बहुत कम देखने को मिलती है, पर यूएस में यार इस तरह की टैरेंटुला एकदम कॉमन होती है। ये देखो भाई इसका साइज कितना ज्यादा बड़ा है भाई, मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ तो मेरे को बहुत वियर्ड सी फीलिंग आने लग रही है, क्योंकि इसकी जो स्किन है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट दी गई है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं किसी वेलवेट के क्लॉथ को पकड़ा हूँ। कितने ढेर सारे लेग्स दिए गए, और उसके लेग्स काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी स्प्रिंग्स वगैरह भी लगाई गई है। यहाँ पे नीचे की तरफ एक बहुत बड़ी मोटर दी गई है, यहाँ पर इसके सपोर्टिंग व्हील्स है, पीछे की तरफ एक छोटा सा व्हील भी दिया गया, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पर इसकी यूजर गाइड दी गई है, यहाँ पर है इसका यूनिक सा रिमोट कंट्रोल। जितनी ज्यादा यूनिक ये टैरेंटुला नजर आ रही है उतना ही ज्यादा अलग इसके साथ रिमोट दिया गया है। बीच में इसका एक डेमो का भी बटन दिया गया, यहाँ पे टैरेंटुला बोल के दिया गया। ओके गाइस, अब ये रियलिस्टिक से दिखने वाले ग्रीन चमेलियन को अनबॉक्स करते हैं। आज इसकी मैं फाइट कराने वाला हूँ क्रैब के साथ, देखते हैं गाइस ये ग्रीन चमेलियन जीत पाता है या नहीं क्रैब के साथ। यहाँ से मैं इसको अनबॉक्स कर देता हूँ। ऊपर यहाँ पे बहुत सारी LEDs दी गई है ताकि ये अपना कलर भी चेंज कर सके। ये इसकी पूंछ है, रिमोट के अंदर एक बटन दबाने से ये अपनी पूंछ भी हिला सकता है। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर, रिमोट के ऊपर बहुत सारे बटन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इसका फूड है गाइस, इसके अंदर मैग्नेट्स लगे हुए हैं। जैसे हम चमेलियन के सामने ये चीजें रखते हैं तो ये फटाफट तरीके से इनको खा भी जाता है। मेरे पास एक बहुत बड़े साइज का भी कैटरपिलर है, जैसे कि ये देख सकते हो, ये एक रोबोटिक कैटरपिलर है और इसका साइज तो भाई बहुत ज्यादा ह्यूज है। चलो गाइस अभी बाहर चलते हैं, फटाफट से कराते हैं इनके बीच में फाइट, देखेंगे आज हमारा ये जो केकड़ा है कितनों को हरा पाता है। लेट्स गो एंड फाइट गाइज। ये सभी आरसी एनिमल्स और आरसी इंसेक्ट्स को मैंने यहाँ पे रख दिया। टैरेंटुला स्पाइडर कितनी ज्यादा बड़ी दिख रही है। तो सबसे पहले ये आरसी केकड़े को चला के देखते हैं। मेरे को लगा था कि गाइज ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगा, पर ये तो साइड बाय साइड चल रहा है यार, बिल्कुल एक रियल केकड़े जैसा ही। मजा आ गया गाइज इसको चला के। और इसके आईज देखो यार कितने ज्यादा रियलिस्टिक दिख रहे हैं, और इसके पिंसर्स देखो कितने ज्यादा डेंजरस दिख रहे हैं। अगर इसके बीच में भाई कोई फंस जाएगा ना, उसको तो ये कट ही कर देगा, इतने ज्यादा खतरनाक है इसके पिंसर। अब ये ग्रीन जंगल स्नेक को चला के देखते हैं, ये तो बड़ा ही क्विक निकला यार, देखो क्या फटाफट
फटाफट तरीके से टर्न हो चुका है। ओ माय गॉड, मेरे को लग रहा है गाइस ये स्नेक किंग कोबरा से भी फास्ट चल सकता है, क्योंकि देखो जिगजैग मोशन में जब मैं इसको चलाता हूं तो ये बड़ा ही फास्ट चल रहा है। अब ये बड़े से टैरेंटुला स्पाइडर को टेस्ट करके देखते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा लेग्स होने के कारण ये बहुत फास्ट से भी चल सकता है और हम लोग इसको बहुत दूर से भी चला सकते हैं, क्योंकि इसके साथ 27 मेगाहर्ट्ज का रिमोट दिया गया है। अब ये ग्रीन जंगल चमेलियन को टेस्ट करके देखते हैं। इसके अंदर हर एक बटन दिया गया यार, जैसे कि इसकी पूंछ हिलाने के लिए भी एक सेपरेट बटन दिया गया है। इसकी जबान तो इतनी ज्यादा लंबी है कि यार अभी ये इसका रिमोट ही खा जाता। यहाँ पे इसका फूड मैंने रख दिया है, देखो यार पहले तो ये फूड को टेस्ट करता है, उसके बाद इसको जो अच्छी चीज लगती है उसको पहले फटाफट तरीके से खा भी जाता है। अब इसका पेट पूरी तरीके से भर चुका है, इसने जो चीजें खाई है यहाँ से मैं इसको निकाल भी सकता हूँ। ये चीज इसके अंदर मेरे को काफी ज्यादा परफेक्ट लगती है। अब ये आरसी मक्खी को चला के देखते हैं, इसके साथ बहुत ही छोटा सा रिमोट मिलता है पर ये रिमोट बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर इसके अंदर फ्लाई करने का भी ऑप्शन मिल जाता तो यार एकदम मजा ही आ जाता। अब ये जंगल लिजर्ड को टेस्ट करके देखते हैं। इसके साथ जो रिमोट मिला है मेरे को एकदम बेकार लगता है, क्योंकि देखो लिजर्ड के ऊपर पॉइंट करके इसको चलाना पड़ता है। बाकी ये बहुत अच्छे तरीके से चलती है और चलते वक्त बहुत ज्यादा फनी भी लगती है। अब ये रोबो कैटरपिलर को टेस्ट करके देखते हैं। ऊपर इसके जेस्चर सेंसर दिए गए, इसके ऊपर टैप करने से भी ये चलता है और हम लोग इसको रिमोट से भी चला सकते हैं। इसके अंदर मेरे को एक दिक्कत लगती है यार, इसकी लेंथ काफी ज्यादा होने के कारण ये थोड़ा सा अटक अटक के चलने लगता है। अब यहाँ पे रेस कराते हैं आरसी मक्खी वर्सेस आरसी केकड़े के बीच में, कि आगे जाने की पूरी कोशिश कर रही है, पर केकड़े ने देखो अपने फिंसर से इसको पकड़ रखा है, कीको ये छोड़ के आगे बढ़ चुका है। केकड़ा है ना यार चीटिंग करके रेस को जीत चुका है पूरी तरीके से। अब देखते हैं ये आरसी केकड़ा जंगल ग्रीन स्नेक को हरा पाता है, यानी जंगल ग्रीन स्नेक बहुत ज्यादा फुर्तीला है। देखो गाइस देखते ही देखते ये कितनी ज्यादा आगे निकल चुका है, इसके आसपास में भी केकड़ा नजर तक नहीं आ रहा। अब ये ग्रीन जंगल स्नेक देखते हैं ये टैरेंटुला को भी रेस में हरा पाता है, यानी ये टैरेंटुला भी बहुत ज्यादा क्विक है, ये फटाफट से चलने लगती है। यहाँ पे देखो यार ग्रीन जंगल स्नेक के अंदर दिक्कत आने लगी है, जैसे ही यहाँ पे थोड़े से गड्ढे आ रहे हैं ये रुक रुक के चलने लग रहा है। इसी बात का फायदा उठाकर यहाँ पे टैरेंटुला रेस को जीत चुकी है। गड्ढे आते हैं तो भी देखो यार ये बिल्कुल भी रुकती नहीं है, बड़ी आराम से रेस को जीत चुकी है। अब देखते हैं क्या ये टैरेंटुला ये खतरनाक से चमेलियन को भी रेस में हरा पाती है, यानी यहाँ पे दोनों के बीच में धक्का मुक्की हो रही थी। अब यहाँ पे टैरेंटुला इसको साइड में करके आगे बढ़ चुकी है, मेरे को लग रहा है गाइस ये टैरेंटुला बहुत आराम से जीत जाएगी और ये जीत भी चुकी है रेस को बहुत आराम से। अब आमने सामने वाली फाइट कराते हैं आरसी केकड़ा वर्सेस आरसी चमेलियन के बीच में। यहाँ पे चमेलियन ने अपनी टंग से अटैक करने की कोशिश की थी आरसी केकड़े के ऊपर। आरसी केकड़ा बड़ा ही चालाक है यार, देखो इसको ये गोल गोल घुमा रहा है, पर इसको पता नहीं है ये चमेलियन कितना ज्यादा खतरनाक है। ओ माय गॉड, आरसी केकड़े ने चमेलियन की टंग को पकड़ रखा है और देखो यार ये इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। ओ माय गॉड, अब चमेलियन को आ चुका है गुस्सा। चमेलियन ने इसको गोल गोल घुमाकर दूर पटक के रख दिया है, इस वजह से ये आरसी केकड़ा बंद हो गया है, केकड़ा हार चुका है पूरी तरीके से। अब ग्रीन स्नेक की फाइट कराते हैं चमेलियन के साथ, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पे ग्रीन स्नेक बहुत ज्यादा क्विक इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, पर चमेलियन ने इतनी टंग से देखो यार पलट के रख दिया है ग्रीन स्नेक को, और ये ग्रीन स्नेक को बहुत जोर से काटे जा रहा है, मेरे को लग रहा है गाइस अब ये इसको खा जाएगा पूरी तरीके से। आप देखते हैं ये खतरनाक से चमेलियन के सामने ग्रीन लिजर्ड बच पाएगी या फिर नहीं। यहाँ पे लिजर्ड इसको पहले काटने की कोशिश कर रही थी, पर चमेलियन ने अपनी टंग से इसके ऊपर अटैक कर दिया। लिजर्ड यहाँ से बच के भागने की पूरी कोशिश कर रही है, पर चमेलियन देखो यार इसके पीछे दौड़े जा रहा है। अब चमेलियन के सामने आ चुकी है खतरनाक सी टैरेंटुला स्पाइडर, देखते हैं जिन दोनों में से कौन जीतता है। टैरेंटुला स्पाइडर ने पहला अटैक कर दिया चमेलियन के ऊपर, चमेलियन अपने टंग से इसके ऊपर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर इसकी टंग यहाँ पे फंस चुकी है पूरी तरीके से। टैरेंटुला ने भाई साहब इसको पलट के रख दिया, क्लियरली यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल है आरसी टैरेंटुला। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, आपको मैंने आज इतने ढेर सारे आरसी एनिमल्स और आरसी इंसेक्ट्स बताए, इनमें से आपको कौन सी चीज अच्छी लगी। चलो गाइस अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है कौशिक जायसवाल, सुमित, विश्वजीत, राजिंदर, मनोज, प्रदीप, आरुष, विशाल, शिवेन, रिक। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।